चुनाव में अब हिंसक नेता, हिंसा से जीतेगी बीजेपी चुनाव, बीजेपी करेगी क्या केजरीवाल की हत्या। गुजरात चुनाव को लेकर कुछ ही समय रह गया है, इसके साथ ही सियासत में अलग अलग आरोप और प्रत्यारोप की हवा भी तेज हो गई है। कभी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो रही तो कभी आम आदमी पार्टी खुद को साबित करने के लिए जनता से मिल रही है। और अब इसी बीच बीजेपी का इशारा कुछ ऐसा सामने आया है कि आम आदमी पार्टी भड़क चुकी है। और हो भी क्यों ना, इशारा इस बार जुबानी नहीं बल्कि हिंसक है और चुनाव की हद किसी की जान पर आ सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या का गणित लगा रही है। आपको बता दें कि बुधवार को आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्विटर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपने षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ। दरअसल दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री और जेल में बलात्कारी से दोस्ती व मसाज प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व जनता गुस्से में है। इनके विधायक की भी पिटाई हुई है, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा ना हो। बहरहाल मनोज तिवारी के ट्वीट के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी मैदान में आ गए हैं, और उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी न केवल अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रहे हैं बल्कि ऐसी भूमिका भी बना रहे हैं कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है उन्होंने अरविंद केजरीवाल की हत्या कर दी। मतलब कि अब चुनाव का रण हिंसक रणभूमि बन सकता है। और अब बात तो यहाँ तक आ गई है कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुलेआम दिल्ली के मुख्यमंत्री को हत्या की धमकी देने वाले बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी और जांच की मांग की है। सिसोदिया ने कहा है कि मनोज तिवारी से पूछताछ की जाए कि उन्हें इस षड्यंत्र के बारे में क्या पता है। सिसोदिया ने कहा कि हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और FIR करवाएंगे। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वो पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और FIR भी कराएंगे, और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। अब जो भी हो, लेकिन चुनावी रण में जहां पार्टियां जनता की समस्याओं को सुनती और समझती हैं और उसी आधार पर चुनाव में दम लगाती हैं, लेकिन यहां पर तो बीजेपी का पूरा ध्यान जनता को छोड़कर दूसरी पार्टियों पर ज्यादा है। कभी वो राहुल गांधी के लुक्स पर कॉमेंट करते हैं तो कभी आम आदमी पार्टी पर ऐसे बयान दे रहे हैं। अब इन सब का नतीजा चुनाव पर क्या पड़ेगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। और वैसे भी बीजेपी के ही नेता कहते हैं कि ये जनता है, सब जानती है, तो जनता भैया ये सब कुछ देख भी रही है और सुन भी रही है। द कंटाप न्यूज की रिपोर्ट।